सभी को जय शो। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए, आज के इस अध्ययन आरंभ करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के करीब जाएं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप अपने हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद रखेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, और विशेष करके हम आपको धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए। खास करके इन दिनों हम देखते हैं पानी गिर रहा है, कई सारे जगहों पे बीमारी फैल रही है, बच्चे और बड़े बीमार हो चुके हैं, लेकिन आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, अच्छा रखा, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी महान कृपाओं के लिए, और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को अच्छा रखना, आपके छत्र छाया में सुरक्षित रखना, ताकि हम अच्छी स्वास्थ्य पाकर हम आपकी वचन को पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उन वचनों के अनुसार हम अपना जीवन बिताएंगे। ये निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पिछले कक्षा में हमने पाठ 4 का पूरा प्रश्न मैंने आपको दिया था। कुल 5 प्रश्न थे और मैं आप सबों को बताया कि आप मनन चिंतन करते हुए, समय व्यतीत करते हुए हर एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर आएंगे। जरूर, मैं आशा करता हूँ आपने समय बिताया होगा प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए। चलो हम सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। 4 पाठ के सबसे प्रथम प्रश्न है, ईश्वर को संबोधित करने के लिए इसराइली कौन से नामों का प्रयोग करते थे? और इस प्रश्न का उत्तर है, प्यारे बच्चों, यहोवा, यावे, प्रभु, ईश्वर और एल सदाई इत्यादि नामों से इसराइली जनता ईश्वर के नाम का प्रयोग करते थे। प्रश्न दूसरा है, प्रभु यीशु को कौन से नाम दिए गए हैं? पहले ईश्वर के नाम और अभी प्रभु यीशु के नाम। पहला यीशु, मसीह, क्रिस्त, इमानुएल, नाजरी, रब्बोनी, रब्बी और प्रभु इत्यादि नामों से हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रार्थना में ईश्वर के नाम लेने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? आप सभी जानते हैं जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तब हमारी मुसीबतें, तनाव, तकलीफ, दुख, दर्द, कठिनाई, परेशानी दूर हो जाती है और हम विशेष करके हम ईश्वर के करीब आते हैं। 4 प्रश्न है, पवित्र त्रित्व के नाम का प्रयोग हम कब कब करते हैं? यानी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के ये नाम हम कब कब रोज़ाना हम यूज़ करते हैं? आप जानते हैं सबसे पहले जब हम पवित्र क्रूस का चिन्ह बनाते हैं तब हम त्रिएक भगवान का नाम लेते हैं, पवित्र मिसा बलिदान में त्रिएक भगवान का नाम लेते हैं, संस्कारों में हम त्रिएक भगवान का नाम लेते हैं, व्यक्तिगत एवं रोजरी माला करते समय हम त्रिएक भगवान का नाम लेते हैं, और जब घर की या खुद की आशीष होती है तब भी हम त्रिएक भगवान का नाम हम लेते हैं। 4 पाठ के सबसे अंतिम प्रश्न है, हमें व्रत में ईश्वर का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, हमें इसलिए ईश्वर का नाम व्रत में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ईश्वर का नाम पवित्र है और शक्तिशाली है, इसलिए कभी हम ईश्वर के नाम को व्रत में नहीं लेना है। चलिए, अभी आप सब जानते हैं
सभी पांच प्रश्नों का उत्तर आपके सामने है और आपने भी तैयारी के साथ आए हैं और उत्तर ढूंढ कर आए हैं। बहुत अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, जब हम ईश्वर के करीब आते हैं, ईश्वर को और जानने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज हम क्या करेंगे, अभी हम पांचवें पाठ में जाएंगे। कितनी खुशी होती है, हम पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ और चौथा पाठ हमने अच्छी तरह से पढ़ा, ध्यान दिया, मनन चिंतन किया और समझा। आज हम पांचवें पाठ में जाएंगे और जिसका नाम है विश्राम दिवस और रिश्ते। एक बार फिर से बोलिए, पांचवें पाठ का क्या नाम है? विश्राम दिवस और रिश्ते। आप सबको छुट्टियां बहुत अच्छा लगता है। विश्राम यानी आराम करना, समय बिताना, खेलना, झूलना, दोस्तों से मिलना और परिवार रिश्तेदारों के घर जाना इत्यादि बहुत अच्छा लगता है। तो ये विश्राम हमको क्यों दिया जाता है? यदि हम आप किताब खोलेंगे तो शुरुआत होती है जनगण मनग, वो गाना राष्ट्रगान, राष्ट्रगान से शुरू होती है। प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रगान हम कब गाते हैं? खास करके 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हम गाते हैं। और इस समय हम किस किस को याद करते हैं? विशेष करके उन नेताओं को और उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जान कुर्बान दिए हैं। यानी बच्चों, इस विश्राम दिवस में हम उन शहीदों की याद करते हैं। और जब हम देखते हैं, जब ये मनाया जाता है हमारे स्कूलों में, मैं जानता हूँ आप में से हर एक बच्चे ने ये स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस आप मनाए होंगे स्कूल पे। तो क्या क्या प्रोग्राम वहाँ पर होती है? हम प्रोग्राम करवाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं, नेता लोग भाषण देते हैं और आप लोग खुद नाटक, डांस, चुटकुला, कविता इत्यादि में भाग लेते हैं। और तत्पश्चात जब प्रोग्राम ख़त्म होती है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं इत्यादि। तो ये सब चीज़ें हमको दर्शाया गया है पहले पार्ट, ये इस पार्ट के शुरुआत में। तो हम बच्चे, हम जानते हैं ये विश्राम दिवस कब आता है, खास करके हमारे लिए, हमारे लिए सातवें दिन यानी सप्ताह में सात दिन होता है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सात दिन में जो सातवें है ना, संडे, संडे को हम विश्राम दिवस के रूप में मानते हैं। जब आप पुराने विधान में जाएंगे, पुराने विधान में भी इसराइली जनता शनिवार शाम से और इतवार शाम तक इस दिन को वे पवित्र दिवस या विश्राम दिवस मानते थे। क्यों आपको पता है? क्योंकि ईश्वर ने 6 दिन लिए हैं इस पूरे धरती को बनाने के लिए। 6 दिन लेने के बाद बाइबल क्या कहती है उत्पत्ति ग्रंथ में, सातवें दिन ईश्वर ने विश्राम किया यानी आराम किया। ईश्वर ने आराम किया, इसलिए हमें भी जो मंडे से लेकर सैटरडे तक यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करते हैं और अंत में संडे को हमें भी आराम चाहिए। तो इसलिए इस दिन को क्या करना है, पवित्र रखना है। पवित्र हम कैसे रखेंगे? हम गिरजाघर आएंगे, मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो इसके माध्यम से हम विश्राम दिवस को पवित्र हम बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये विश्राम दिवस को पवित्र रखना या इतवार को विश्राम दिवस मानना ना केवल पुराने विधान में, जब हम नए विधान में भी आते हैं तो वहाँ पर भी प्रभु येसु क्या कहते हैं कि विश्राम दिवस को पवित्र मानना ज़रूरी है। और इतना भी नहीं, प्रभु येसु का पुनरुत्थान कौन से दिन हुआ? इतवार के दिन हुआ। और प्रभु येसु हमेशा इतवार के दिन को अच्छा मानते थे, पवित्र मानते थे।
तो इसलिए हमको भी वे वही समझाते हैं कि हमें भी इतवार के दिन को पवित्र रखना है, आराम जरूर करना है। मैं जानता हूँ कि आप लोग सब आराम करते हैं इतवार के दिन, लेकिन जब हम प्रभु येसु की बातें मानकर चलेंगे तब हम विश्व विश्राम दिवस पर भी हम इस दिन को पवित्र रखना है। इसलिए आप लोग एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि भले ही उस दिन छुट्टी है, स्कूल नहीं चलती है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? मंदिर जाऊँगा, गिरजाघर जाऊँगा, प्रभु येसु से मिलूँगा, प्रार्थना करूँगा इत्यादि। तब आपके दिल में एक प्रकार की खुशी पैदा होगी और जब आप बोलेंगे हाँ वास्तव में विश्राम दिवस पवित्र है। नहीं तो क्या करते हैं, पूरे दिन हम खेलते रहेंगे, पूरे दिन टाइम पास करते रहेंगे, पूरे दिन हम छुट्टी मनाते हैं, तब हम क्या इस वास्तव में इस दिन को पवित्र करते हैं? नहीं ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम भले ही सोमवार से शनिवार तक काम करेंगे, लेकिन इतवार के दिन प्रभु के लिए समर्पित करना है, क्योंकि ये इतवार किसका दिन है? प्रभु का दिन है। जोर से बोलिए, इतवार प्रभु का दिन है। तो इसलिए आज हमें दृढ़ संकल्प लेना है, मैं विश्राम दिवस को पवित्र रखूंगा और उस दिन मैं प्रभु येसु के लिए विशेष समय बिताऊंगा। आइए, इसी के साथ आज के ये अध्ययन संपन्न होता है और अगले कक्षा में हम इसी के जो अधूरा रह गया है उसको हम और आगे हम पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय शिव।